देखेंगे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स एंड हम देखेंगे रिसेप्टर्स एंड इट्स एक्शन आफ्टर इंटरेक्शन विद द ड्रग्स. ठीक है, कोई भी ड्रग हम जब लेते हैं, कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो इफेक्टर ऑर्गन को बाइंड नहीं होता है, है ना. इफेक्टर ऑर्गन को बाइंड होगा क्या? नहीं होगा. मतलब जैसे हम बोन जो है वो हमारे पेन हो रहे हैं, मसल्स हमारी पेन हो रही है, तो हम उसके लिए कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो वहां पे जाके डायरेक्टली बाइंड नहीं होगा. वो थ्रू द स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैक्रोमोलिकुल्स को बाइंड होता है और उसके बाद जो है वो ड्रग की एक्शन शो होती है. ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैक्रोमोलिकुल्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, रिसेप्टर्स. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स. तो हम रिसेप्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रिसेप्टर्स यानी दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और अ बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन अ सरफेस और इनसाइड द सेल दैट रिकॉग्नाइज द ड्रग एंड इनिशिएट द एक्शन. ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स या ऐसी बाइंडिंग साइट होती है कहाँ पे, जो सेल है, सपोज दिस इज अ सेल, तो सेल के सरफेस पे रहते हैं या सेल के अंदर रहते हैं. ठीक है, इट इज अ बाइंडिंग साइट फॉर अ ड्रग और वो ड्रग को रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, और उसके बाद आफ्टर इंटरेक्शन वो एक्शन को इनिशिएट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं. इट इज प्रोटीनियस इन नेचर. इसका नेचर कैसा रहता है, प्रोटीन नेचर रहता है. ठीक है, अब ये जो एक्शन शो कर रहे हैं, एक तो ये एगोनिस्टिक रहेगा या एंटागोनिस्टिक रहेगा, है ना. तो ये क्या होता है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हम देखेंगे आगे. ठीक है, तो पहले जो टर्म है वो है एगोनिस्ट, मतलब जब ड्रग बाइंड होता है, सपोज दिस इज अ सेल. ठीक है, सेल के सरफेस पे जो है वो ये बाइंडिंग साइट है, रिसेप्टर है. ठीक है, इसको बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर कहेंगे. तो जब ये ड्रग यहाँ पे आके बाइंड होता है और ये एगोनिस्टिक एक्शन शो कर रहा है, मतलब कौन सी एक्शन शो कर रहा है. ठीक है, सो एगोनिस्ट मतलब ऐसे ड्रग्स या ऐसे सबस्ट्रेट विच एक्टिवेट वो रिसेप्टर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट रिसेप्टर एंड गिव रिस्पॉन्स एज लाइक फार्माकोलॉजिकल सिग्नल्स. मतलब फार्माकोलॉजिकल्स मतलब जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, है ना, वो वैसे ही सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं. तो वैसे ही एग्जैक्ट जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो उन जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स है या हार्मोन्स है उनके जैसे ही एक्शन शो करना, विच मिमिक द एक्शन लाइक फार्माकोलॉजिकल सिग्नल्स हमारे
तो उसको हम क्या कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे. ठीक है, मतलब जो ड्रग जब बाइंड होता है बाइंडिंग साइट पे तो वैसे ही एक्शन मिमिक करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं. ठीक है, सेकेंड जो है एंटागोनिस्ट. ठीक है, एंटागोनिस्ट मतलब ये ऐसे ड्रग्स विच प्रिवेंट द एगोनिस्ट फ्रॉम बाइंडिंग साइट, मतलब ये एगोनिस्ट को बाइंडिंग साइट से प्रिवेंट करते हैं, है ना. हमने यहां पे देखा था कि सपोज ये बाइंडिंग साइट है और यहां पे आपका एगोनिस्ट आके बाइंड हो रहा है ना, ये क्या है, ये बाइंडिंग साइट है. तो एगोनिस्ट क्या करेगा, इस ड्रग को ये बाइंड नहीं होने देगा. ठीक है, यहाँ पे वो बाइंड नहीं होने देगा, इट्स प्रिवेंट द एगोनिस्ट फ्रॉम अ बाइंडिंग साइट. तो ऐसे एजेंट को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट. ठीक है, इसके बाद है इनवर्स एगोनिस्ट. अब इनवर्स एगोनिस्ट मतलब इनवर्स एगोनिस्ट मतलब ऐसे एजेंट जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एगोनिस्ट. मतलब एगोनिस्ट जैसे एक्शन शो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, मतलब जैसे ये बाइंडिंग साइट है, ठीक है, ये क्या है, बाइंडिंग साइट है, तो ड्रग यहाँ पे आपका इनवर्स एगोनिस्ट आके बाइंड हो रहा है, आपके एगोनिस्टिक एक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्शन शो करेगा. ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन शो कर रहा है इसलिए हम उसको कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट. ठीक है, उसके बाद है पार्शियल एगोनिस्ट. ऐसे एजेंट जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइज 50% ऑफ द एक्शन एंड ऑफ द फुल एगोनिस्ट. मतलब वो बाइंड तो होते हैं, ठीक है, एक्टिवेट भी करते हैं रिसेप्टर्स को, बट आफ्टर अ बाइंडिंग वो फुल एगोनिस्ट, जैसे हमने एगोनिस्ट देखा था तो वो फुल एगोनिस्ट हो गया है ना, वो पूरे एक्शन शो कर रहा है, तो उसकी 50% जो एक्शन है वो एंटागोनाइज करते हैं. ठीक है, सपोज ये बाइंडिंग साइट है तो पार्शियल एगोनिस्ट यहाँ पे आके बाइंड तो होगा बट एक्शन कितने परसेंट शो करेगा, 50% शो करेगा. ठीक है, तो ऐसे एगोनिस्ट को हम कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट. ठीक है, एक टर्म देखेंगे हम लिगैंड, लिगैंड्स भी बोलते हैं इसको.
ठीक है, तो ये जो लाइगैंड वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, वहां से आया है, उसका मीनिंग होता है टू बाइंड। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिगैंड मतलब एनी मॉलिक्यूल विच अटैचेस सिलेक्टिवली टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर और अ बाइंडिंग साइट, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिलेक्टिवली प्रॉपरली रिसेप्टर्स को या बाइंडिंग साइट को अटैच होते हैं। ठीक है, थीके? अब इसमें एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमिटर्स, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में होते हैं, लाइक एड्रेनालिन, ACH, हार्मोन्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिगैंड कहेंगे। तो हमने क्या देखा? रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या है रिसेप्टर्स? इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स और अ बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस और इनसाइड द सर्फेस ऑफ अ सेल। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, लाइक व्हाट इज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट एंड व्हाट इज लाइगैंड्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। थैंक यू।